हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Gracias.
Thank you.
ಸರಿ ಗೌರವ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲೆ ಜನ ಜನೇ ಮಾಮೆ ನೀರ ಆ ಸಾಮೆ ನೀರ ಸನ ಪರುಣ ಹರಿ
Yeah.
Thank you.
Yeah.
आज श्री ऊर्जा व्रत आज जो है इसका नाम क्या है, कहते ऊर्जा व्रत है, कहते ये एक होता है श्री पुरुषोत्तम व्रत जो तीन साल के बाद में वो एक बार वो पुरुषोत्तम व्रत आता है, लेकिन उसका जो अधिष्ठात्र देवता कहते उसके जो अधिष्ठात्र देवता कहते श्री पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण है, लेकिन जो ये ऊर्जा व्रत की अधिष्ठात्री देवी कौन है, कहते श्रीमती राधा रानी। कहते ऊर्जा मतलब होता है तेज व प्रकाश, हम लोग ब्रह्म गायत्री में कहते भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य, भर्ग मतलब होता है तेज, मतलब किसका तेज है, मतलब देवस्य भर्गो, मतलब देवस्य मतलब कृष्ण देवस्य, भर्गो मतलब होता है तेज, इसलिए कहते तेज मतलब होता है प्रकाश, तेज मतलब होता है प्रकाश, ऊर्जा मतलब भी होता है प्रकाश। कहते ये कृष्ण को भी, कृष्ण तो विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, लेकिन कृष्ण को कौन प्रकाशित करते हैं, कहते कृष्ण को कौन प्रकाशित करती हैं, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, श्री राधा रानी अगर कोई ये ऊर्जा व्रत को पालन करे, ये अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधा रानी अगर इसी महीना में थोड़ी सी भी कोई भक्ति के अंग जाजन करे, उसका आसानी से ही अगर राधा रानी की कृपा हो जाए, आसानी से उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमारे वैष्णव जगत में यदि ये ऊर्जा व्रत को बड़ा आदर पूर्वक ये ऊर्जा व्रत को पालन करते हैं, और इसका एक नाम श्री नियम सेवा व्रत है। क्या नाम है, कहते नियम सेवा, बोले नियम सेवा का मतलब क्या है, कहते नियम मतलब होता है नियमित पूर्वक, हर महीना में हम जितने हरि नाम करते थे कोशिश करेंगे आज से थोड़ी सी हरि नाम को ज्यादा करने के, हर महीना में जितने हम भक्ति की अंग जाजन करते थे इसी महीना में कोशिश करेंगे और थोड़ी सी ज्यादा भक्ति की अंग जाजन करने के लिए, और जो सवेरे कहते जो मंगल आरती है कोशिश करनी चाहिए जरूर मंगल आरती में आया जाए, इसलिए ये आरती का नाम मंगल आरती। मंगल आरती मतलब क्या है, बोले जिसको दर्शन करने से जीव का परम मंगल होता है, इसलिए भजन में गाते हैं ना, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्रति जागो कर हृदय मोर सुमंगल आरती। इसलिए जब ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का पट खोलते ही ठाकुर जी का जो दृष्टि है जिनको ऊपर में पड़ता है क्या होता है, जागो कर हृदय मोर सुमंगल आरती, अपने आप उसका हृदय में सुमंगला रति, अपने आप ठाकुर जी के प्रति उसकी अपने आप रति प्रकट हो जाती है, अपने आप रति उसको प्रकट हो जाती है। इसलिए कथा बोले बिना ये बांगाली माई देखा तो कान में उठे जाना हरे कृष्ण इजने, इसलिए कहती है आरती आरती, इसलिए रोज क्या करनी चाहिए, सवेरे 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 आ करके मंगल आरती जरूर दर्शन करनी चाहिए, और इसी महीना में विशेष करके इसी महीना में थोड़ी सी भी अगर कोई भक्ति का अंग जाजन करे उसका बड़ा महत्व है, और इसी महीना में गुरुदेव कहा करते थे इसी महीना में ठाकुर जी की प्राय करके जो लीला है ठाकुर जी इसी महीना में करते थे, इसी महीना में किया, इसलिए गुरुदेव कहते थे इसी महीना में कृष्ण मक्खन चोरी की इसी महीना में मैया जसोदा ने कृष्ण को उखल में बांध दी। भगवान कोई बांध सकते हैं, भगवान अनंत है, भगवान असीम है, जिसका कोई आर पार नहीं, लेकिन होते हुए भी लेकिन इसी महीना में मैया जसोदा क्या की, कृष्ण को उखल में बांध डाले। इसलिए बोले दामोदर दो दामोदर है, कितना दामोदर है, बोले दो दामोदर है, एक तो जसोदा दामोदर
और एक है राधा दामोदर। कभी जो दो दामोदर की जो लीला है इसी महीना में हुई है, हाँ, इसी महीना में दो दामोदर का लीला इसी महीना में हुई। इसी महीना में ही मैया यशोदा ने कृष्ण को उखल में बांधे और इसी महीना में ही कृष्ण रास करने पर, जब कृष्ण रासों से अंदर ध्यान हो गए, जब ब्रज गोपियां बैठ करके गोपी गीत को गाए, बोले जयती तिथिकम जन्मना ब्रज त्रयत इंदिरा शाश्वतद्रही तैतदृष्टदा दीक्षुतावका इसी महीना में जब ब्रज गोपियों ने गोपी गीत को कहां पर गाई, यही पर जहां पर हम लोग बैठे हैं, इसी स्थान ही यमुना किनारा है, क्योंकि 70 करोड़ गोपियां बैठ करके गोपी गीत गाई, तो पूरा ये वृंदावन में ही है, पूरा ये वृंदावन में यही यमुना किनारा यही पर बैठ करके ब्रज गोपियों ने गोपी गीत गाई। तो कृष्ण ने किया कि मनमत का मनमत रूप लेकर कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए। प्रकट होने पर ब्रज गोपियां अपना उत्तरीय को उतार करके कृष्ण को आसन में बैठाए। कृष्ण कौन है, बोले यद्यपि समाधि सुविधिर विपश्यति न तव नखा प्रमर्षि। बोले जिनको ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए जिनके चरण की नख की जो छटा को जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, आज कृष्ण कहाँ बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, गोपियों की सुंदरी को ऊपर में। मतलब भगवान योगेश्वर भी हैं, वो योगेश्वर होते हुए भी लेकिन आज बैठे गोपियों की सुंदरी को ऊपर में ठाकुर जी आज बैठे हुए। मतलब है कृष्ण कितने बसीभूत ब्रज गोपियों के प्रेम में, कितने कृष्ण बसीभूत है। और यहीं पर आने पर गोपियां क्या की, जब कृष्ण प्रकट हुए कृष्ण को बैठा है, राधा रानी का जो चुंदर थी और कृष्ण का जो चदर था, गोपियों ने अच्छे तरह से बांध दिया, हा? अच्छे तरह से शादी का समय में गठबंधन होता है ना, ऐसे ही अच्छे तरह से बांध दिया। बोले क्यों, बोले ये कन्या बड़ा नटखट है, हैं, और ये बारंबार हमारी किशोर जी को छोड़ करके ये चले जाते हैं, ऐसे बांध दो जैसे यहाँ से कभी जा नहीं पाए। इसलिए भगवान को है, भगवान को इसी महीना में वो बांधे थे, इसलिए इसका एक नाम श्री राधा दामोदर, एक यशोदा दामोदर और एक राधा दामोदर। इसी महीना में ही कृष्ण घर घर में जाकर के कृष्ण इसी महीना में मक्खन चोरी किए, हैं, मक्खन नहीं क्या चोरी की, बोले ब्रज गोपियों की मन को चोरी करते थे, ब्रज गोपियों की मन को चोरी करते थे इसी महीना में। और इसी महीना में कृष्ण कंस को भी, इसी महीना में ही कृष्ण कंस को भी मारे, और इसी महीना में ही कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को, इसी महीना में उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। इसलिए इसी महीना में कृष्ण बहुत सारे लीला कृष्ण इसी महीना में ही किए। इसलिए गुरुदेव कहते थे इसी महीना में ही, कहते प्राय करके हमारे गुरु वर्गों का जो जन्म है ना, और तिरुभाव आविर्भाव और तिरुभाव इसी महीना में हुए। इसलिए मेरे श्री गुरुदेव भक्ति श्री ओम श्रील सिद्धांत गोस्वामी महाराज इसी महीना में इनकी जन्म तिथि है, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज इसी महीना में अप्रकट लीला प्रकाश किया, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज इसी महीना में वो जन्म ग्रहण किए, इसी महीना में भक्ति दैत श्रील माधव गोस्वामी महाराज इसी महीना में ही उनका जन्म तिथि है, और इसी महीना में ही और महीना का प्रारंभ में ही कहते हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज इसी महीना का प्रारंभ में ही इनकी तिरुभाव, इनकी तिरुभाव इसी महीना में ही इनका तिरुभाव उनका हुई है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे परमेश्वरी प्रभु जी, परमेश्वरी प्रभु जी,
हरे परमेश्वरी प्रभु हरे बात सुनो जी हरे कृष्णा। अभी ना सब भक्त लोग हैं, हम सोच रहे थे अगर ये कर देंगे ना एक साथ में तो पूछना योग्य थे, इसलिए इसी महीना में भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज का भी आविर्भाव है, इसी महीना में भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज का भी तिरुभाव तिथि है, इसलिए इसी महीना में बहुत और इसी महीना में भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज का इसी महीना में इनका तिरुभाव भी है, बहुत बहुत गुरु वर्गों का, क्योंकि जो महीना है अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, इसी महीना में बड़े बड़े संतों का जन्म इसी महीना में हुए हैं, इसलिए ये महीना की विशेष महत्व और महीना की प्रारंभ में ही भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज ने तिरुभाव अंतर ध्यान लीला को उन्होंने प्रकाशित किया है, इसलिए गुरुदेव कहते थे उनने कौन सा समय में उन्होंने अंतर ध्यान हुए, गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे ठीक शाम का समय पूर्णिमा का चंद्रमा छिटक रहे, पूर्ण चंद्रमा है कितना भगवान अभी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंत मनस चक्रे जोग माया संपाशित, पूर्ण चंद्रमा छिटक रहा है और जुई बेली चमेली केतक की मालती सारे फूल खिले हुए चार तरफ में, बड़ा सुंदर मनोहर शोभा है और ठीक शाम का समय में उन्होंने अंतर ध्यान लीला प्रकाशित किया। बोले क्यों कारण किया, कहते कारण है जब उन्होंने अंतर ध्यान लीला अप्रकट हुए उसी समय देखा राधा रानी की गले में एक फूल की माला थी और वो माला झट टूट करके ना वो माला गिरा जिस समय उन्होंने अंतर ध्यान हुए, इसलिए गुरुदेव कहते थे इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है जब कृष्ण रास कर गए थे वहां पर सब सखी मंजरियां तो थी लेकिन केवल एक मंजरी की वहां पर अभाव थी, बोले कौन सा मंजरी की, कहते श्री विनोद मंजरी की वहां पर अभाव थी, श्री विनोद मंजरी की अभाव थी, इसलिए उन्होंने उसी समय अंतर ध्यान हुए, मतलब उन्होंने अपना विनोद मंजरी को उन्होंने रासों में उन्होंने बुला लिया है। बड़े श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जय, इसलिए आज का दिन उनके अंतर ध्यान लीला है, जिन्होंने कृपा करके ये गौड़ीय वेदांत समिति को उन्होंने स्थापन किया है, हैं स्थापन करते हुए उन्होंने जैसे संपूर्ण विश्व में हरि कीर्तन हो, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी से आछे जंत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है निमरना, यदि ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है एक दिन ऐसे होगा संपूर्ण पृथ्वी में सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोलो हरे भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी को उन्होंने सार्थकता के लिए उन्होंने, इसलिए जब प्रभुपाद चले गए थोड़ी सी इधर उधर तितर बितर गया था, इसलिए प्रभुपाद ये महापुरुष को बारंबार स्वप्न दिए, बोले विनोद मेरे सारे प्रचार इधर उधर हो रहा है, मेरे प्रचार सब इधर उधर हो रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम संन्यास ग्रहण करो और बारंबार उन्होंने स्वप्न आदेश दिया है और उन्होंने प्रभुपाद ने इनको पहले ही सन्यासी दे चुके थे, इनको पहले सन्यासी दे चुके थे, बोले कब, पर जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे और नवद्वीप का परिक्रमा निकला था, निकलते हुए जो प्रौढ़माया तला में जो परिक्रमा गई उसी समय जितने स्मार्त ब्राह्मण थे जितने सहजिया थे ये सब के सब प्रभुपाद ऊपर बिगड़े हुए, क्यों कि जब जिस समय प्रभुपाद आए इनकी वंदना में कहते ना नाम एवं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने,
और श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत धरता है। इन्होंने क्या किया, जितने रूपानुग विरुद्ध मतलब शुद्ध भक्ति के जो विरुद्ध जो धर्म था, ये प्रभुपाद सारे धर्म को खंडन कर रहे थे। बोले क्या धर्म, बोले चार तरफ में चार ये अपधर्म प्रचार हो रहा था। बोले पहला अपधर्म किया, बोले मायावाद, जो लोग अपनी आप को ब्रह्म कहते हैं, है एक तरफ में ये मायावाद। बोले दूसरे तरफ में बोले स्मार्त जात गोसाई, ये जात गोसाई ऐसे एक दल है, अब लोग इतना पता नहीं, ये बंगाल में ज्यादा है। जात गोसाई उसे कहते हैं जिनको पूर्वज पहले कोई बड़े साधु थे, सचमुच से कोई गोसाई थे भजन करने वाले, लेकिन परवर्ती समय में उनका जो संतान हुए हैं मांस मछली सब कुछ खाते हैं, कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अहंकार क्या करते हैं, अरे जानते हो हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हैं इसको स्मार्त जात गोसाई कहते हैं। कहते एक तरफ में ये स्मार्त जात गोसाई इन लोगों ने सबको दीक्षा मंत्र देना है दीक्षा, लेकिन प्रभुपाद इसको खंडन कर रहे थे। जैसे किसका पिता डॉक्टर था, अगर उसका बेटा अगर जन्म हुआ अगर डॉक्टर भी नहीं करेगा दुनिया थोड़ी उसको डॉक्टर कहेगा, कहेगा नहीं। इसलिए उसी तरह पहले पूर्वज कोई था इसलिए तुम उसकी परंपरा में हो, लेकिन कोई धर्म धर्म से कोई तुम्हारी मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, हाँ ये लोग सब मछली मांस खाने वाले और दीक्षा मंत्र दे रहे थे। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कर रहे थे, ये सारी चीज को प्रभुपाद खंडन कर रहे थे। बोले तीसरे तरफ में, तीसरे तरफ में अवतारवाद, अवतारवाद मतलब क्या, बंगाल में जैसे जैसे खेती में जैसे बीज बोते हैं ना, हाँ खेती में ऐसे ही बंगाल में राम कृष्ण अवतार बाल कृष्ण अवतार, और वहां पर इतने अवतार हैं, अगर थोड़ी सी कोई रिधि सिद्धि दिखा देना बाबा ये तो भगवान आ गए, ये भगवान आ गए। इसलिए प्रभुपाद ये सब चीजों को प्रभुपाद खंडन कर रहे थे, प्रभुपाद इसको खंडन कर रहे थे प्रभुपाद। और जो तीसरा है सहजियावाद, कौन सा वाद है, चौथा है ये सहजियावाद है, है? सहजियावाद मतलब है, इसलिए बोलते अभी भी शौच क्रिया के बाद में कितना बार हाथ में मिट्टी दे करके हाथ धोना उसको पता नहीं, लेकिन आते ही लड्डू मंजरी कचौड़ी मंजरी रसगुल्ला मंजरी सब मंजरी 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 नाम दे दिए, है उनको एकादश भाव दे दी। इसलिए कहते ये जो जितने अपसंप्रदाय को प्रभुपाद खंडन मंडन कर रहे थे, इसलिए जितने लोग है ना सबके सब प्रभुपाद के ऊपर बिगड़े हुए थे, है क्योंकि इनका बिजनेस ही नहीं चल रहा था, इसलिए सबके सब बिगड़े हुए थे। इसलिए जिस समय ये प्रौढ़ माया को पास में अपना परिक्रमा लेकर गए, वो लोग पहले से ही सोना बोतल ईट पत्थर लेकर के रेडी थे, और गए तो सबके सब प्रभुपाद ऊपर आक्रमण करने लगे। जब आक्रमण करने लगे इतने में हमारे श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उन्होंने क्या किया, फटाफट उन्होंने प्रभुपाद को प्रभुपाद को लेकर के एक घर में चले गए, और जा करके प्रभुपाद का जो संन्यास ड्रेस को खुद पहन लिए, और प्रभुपाद का अपना जो सफेद कपड़ा था ये कोई साधारण बात नहीं, अपना गुरुदेव का अपना सफेद कपड़ा दे दे और गुरुदेव का और सन्यासी वस्त्र स्वयं पहन लिए, ये कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भक्तिविदान शांत महाराज की, इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने कपड़ा को उन्होंने ले लिया और ले करके उन्होंने क्या की, उन्होंने प्रभुपाद को छुपा करके उन्होंने भेज दिए, और स्वयं प्रभुपाद का रूप धारण करते हुए उन्होंने वहां से निकलते हुए चले आए। मतलब प्रभुपाद उन्होंने प्राण बचाया, हाँ देखो प्रभुपाद का थोड़ी थोड़ी प्राण बचा सकते हैं, प्रभुपाद नयन मणि मंजरी और आधार है कि नित्य परिकर है। इसलिए प्रभुपाद शिक्षा दे रहे थे, देखो विपत्ति समय ना बंधु कौन है शिष्य कौन है पता चलता है, विपत्ति समय में संपत्ति समय में नहीं, जब प्रभुपाद ऊपर में कोई आक्रमण हुई ना सब शिष्य लोग इधर उधर चले गए, सब इधर उधर चले गए, लेकिन इन्होंने दिखाए नहीं, अगर कोई सचमुच से शिष्य है तो मैं हूँ। उन्होंने अपना प्राण को हथेली पर लेकर के उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद को प्राण को उन्होंने बचाया। इसलिए उसी समय मानो
एक तरह से प्रभुपाद, एक तरह से महात्मा, एक तरह से कहते भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, एक तरह से प्रभुपाद ने उन्हें प्राण बचाया है। इसलिए मानो प्रभुपाद पहले से ही उनको सन्यासी दे चुके थे प्रभुपाद ने। इसलिए प्रभुपाद बारंबार इनको स्वप्नादिष्ट किया, हैं स्वप्नादिष्ट किया, जल्दी से जल्दी तुम सन्यासी ग्रहण करो और मेरे जो प्रचार है सबके सब तसना से हो रहा है प्रचार। तो उन्होंने सन्यासी ग्रहण करते हुए ये गौड़ीय वेदांत समिति को उन्होंने स्थापन किया है, स्थापन उन्होंने किया है। इसलिए कहते हर आचार्य का एक एक वैशिष्टता होता है। कहते इनके अंदर में क्या वैशिष्टता है, इन्होंने सन्यासी का जब नाम दिया ना, भक्ति वेदांत श्री शांत महाराज, भक्ति वेदांत श्री है, भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उन्होंने सब वेदांत 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 नाम रखा है। और समिति का नाम क्या रखा, गौड़ीय वेदांत समिति रखा। इसलिए वेदांत वेदांत समिति रखा। लेकिन उन्होंने ये वेदांत वेदांत नाम क्यों रखा, इसलिए कुछ लोगों ने कुछ कटाक्ष भी किया था, बोले क्या किया था, लिखो क्या वेदांत वेदांत ये सब मायावादियों का ग्रंथ है, हाँ मायावादियों का फिलोसफी वेदांत पढ़ते हैं, इन्होंने क्या सब सन्यासी का नाम वेदांत वेदांत नाम क्या रख दिया। हरे कृष्ण पुजारी जी क्या ये कर रहे हो, हो गए थे और ठीक है जब कुछ मान लेते तो फूल 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 है ना, फूल है तैयारी है, हाँ इसलिए दो मिनट, इसलिए उन्होंने कोई कोई कटाक्ष किया ये सब क्या वेदांत 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 नाम क्या रखा। लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, वेदांत मतलब क्या है, वेद का अंत, अंत मतलब होता है सार, मतलब वेद का सार क्या है, मतलब निगम कल्प तरूर गलितम फलम, जो निगम मतलब होता है वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल क्या, बोले भागवत, भागवत इसका फल है, बोले भागवत का सार क्या है, बोले ब्रज प्रेम। अब ब्रज प्रेम में सार क्या है, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, उसमें सार क्या, बोले मधुर रस। इसलिए महाप्रभु ब्रह्मांड का एक दिन में एक बार आकर के वो अनर्पित चरिचिरात जो प्रेम है राधा रानी की नुकिंज को जो सेवा को एक बार प्रदान करते हैं। इसलिए गौड़ीय वेदांत मतलब होता है जो वो अनर्पित जो चरिचिरात जो प्रेम है, ब्रज प्रेम को जो लक्ष्य करता है, जो ब्रज प्रेम को गौड़ीय वेदांत मतलब जो वही ब्रज प्रेम को जो प्रचार करने वाले, इसलिए उन्होंने सबके सब वेदांत वेदांत नाम रखे। और जो ठाकुर जी देखो सब मंदिर में काले ठाकुर देखो, यहाँ पर सफेद ठाकुर, इसी विषय पर भी कोई कटाक्ष किया। फिर उन्होंने एक अष्टक लिखा जिसका नाम राधा विनोद बिहारी अष्टक, हम लोग जरूर वो अष्टक को पढ़ना। और हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उसको ऊपर में जो व्याख्या किया ना, अद्भुत रूप में उन्होंने व्याख्या किया है, उसी को स्थापन किया। देखो तीनों ठाकुर एक है, तीन ठाकुर जो एक है, एक मतलब क्या है, एक मतलब कहते राधा रानी का अंग कैसे है, गौरव वर्ण, राधा रानी का अंग गौरव वर्ण है, और राधा जी की भाव में तीनों विभावित है। इसलिए कृष्ण सफेद क्यों, बोले राधा चिंता निवेशन जसदांतर विलोपिता, जो राधा रानी की चिंता करते 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 अपना अंग कांति को जो विलोपित करके उन्होंने गौरव पर धारण किया। बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले राधा भाव दूति सुगलितम नौम्य कृष्ण स्वरूपम, वही कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी के भाव अंकांत लेकर के आए। तो इसमें जो तीनों जो ठाकुर है किस चीज की प्रतीक है, बोले राधा रानी प्रेम की प्रतीक है, राधा रानी की प्रेम की प्रतीक है, वही गुरुनत उज्जवल रस को। इसलिए जो तीन ठाकुर है वो एक चीज को लक्ष्य करता है, राधा कृष्ण प्रेम के सर्वोत्तम रूप में लक्ष्य करता है। इसलिए उन्होंने ग्रंथ में अद्भुत रूप में उन्होंने व्याख्या की, इनकी बड़ा वैशिष्ट बड़ी बड़ी वैशिष्टता है। हाँ देखो आज आप जो हिंदी भाषी लोग हैं ना, हम सवेर शाम को यहाँ 4 बजे यहाँ पर 4 बजे हिंदी भाषा में यहाँ कथा होगी, फिर उसको बाद में फिर हम वहाँ चले जाएंगे। अभी हम वहाँ जाने वाले, अभी महाराज जी का आरती करके सब पुष्पांजलि दे करके अभी हम लोग चले जाएंगे श्री गोपीनाथ गौरी मठ में, ठीक है। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की, श्री गौड़ीय वेदांत समिति की, निताई गौर प्रेमानंदे, और उनका एक कीर्तन है, कीर्तन निकाल तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का, महाराज जी ठीक है।